बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटियाँ, खाद पानी बेटों को पर लहलाती हैं बेटियाँ। नमस्कार, मैं उमा रमन पाठक, बिगुल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये कविता किसी बड़े कवि ने लिखी होगी जो बेटियों की सफलता की कहानी कहने के लिए काफ़ी है। बेटियों को अगर मौका मिले तो वो रानी लक्ष्मीबाई बन सकती हैं, साइना नेहवाल बन सकती हैं, पीटी ऊषा बन सकती हैं, कर्णम मल्लेश्वरी बन सकती हैं, या ज्वाला गट्टा बनकर भारत का नाम उज्जवल कर सकती हैं। ऐसी ही एक बेटी की कहानी हम यहाँ लेके आए हैं जिसने पिछले 19 दिनों के भीतर 5 स्वर्ण पदक भारत के नाम करके एक गौरवपूर्ण कीर्तिमान रच दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ढींग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर भारत की मशहूर एथलीट हिमा दास की, जिसे कि नई उड़न परी कहा जा रहा है। पहले उड़न परी के नाम से पीटी उषा मशहूर थी, लेकिन हिमा दास के आने के बाद उन्हें नई उड़न परी कहा जा रहा है। हिमा का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नागौन जिले के ढींग गांव में हुआ था, इसीलिए उन्हें ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। उनके गांव के नाम के वजह से ही उन्हें ढींग एक्सप्रेस का नाम दिया गया। बचपन में जब वो अपने पिता के साथ खेतों पर जाया करती थी तो वहीं एक छोटे से मैदान पर वो खेला करती थी। उनके पिता एक साधारण किसान थे और वहीं पर वो फुटबॉल खेलने लगी। उनकी इच्छा थी कि वो फुटबॉल में स्ट्राइकर के रूप में अपना नाम कमाएं, लेकिन किसी दिन एक व्यक्ति ने उन्हें दौड़ते हुए देखा तो उनसे कहा कि बेटी आप एथलीट बन सकती हो। ये बात उन्हें जच गई और यही सोच लेकर वो गुवाहाटी पहुंची, जहां पर कैंप में वो ट्रेनिंग लेने लगी। एक दिन एथलीट के बड़े गुरु निपुण दास की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उनको एक बेहतर ट्रेनिंग दी। जिस तरह से एक गुरु जो है वो शिष्य को अच्छी ट्रेनिंग देकर महारत दे देता है, उसी तरह से निपुण दास ने उन्हें सब कुछ सिखाया और आज वो अपने गुरु का, अपने स्टेट असम का और देश का नाम रोशन कर रही हैं। उनके सफलता की कहानी बहुत बड़ी है। उन्होंने 5-5 स्वर्ण पदक अभी जल्दी में जीते। इसके पहले उन्होंने IAAF T20 में जो पदक जीता था वो किसी भी वर्ल्ड लेवल चैम्पियनशिप में किसी भारतीय का सबसे बड़ा जो है वो खिताब था। ना ये खिताब कभी पीटी उषा दर्ज कर पाई, ना ही फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह। आइए हम उनके बाद सफलता के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले दिनों 2 जुलाई 2019 को पोलैंड के पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रचने की शुरुआत की। कुल 200 मीटर की दौड़ में को 23.65 सेकंड में पूरा करके उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके 5 दिन के बाद 7 जुलाई को पोलैंड में ही कुटनो एथलेटिक्स मीट में दूसरा पदक हासिल किया। 200 मीटर की दौड़ को 23.97 सेकंड में पूरा करके स्वर्ण हासिल किया। इसके कुछ ही दिनों के बाद 6 दिनों के बाद 13 जुलाई को चेक रिपब्लिक में क्लाउडनो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में उन्होंने तीसरा गोल्ड हासिल किया। कुल 200 मीटर की दूरी को 23.47 सेकंड में पूरा करके उन्होंने ये सफलता हासिल की। इसके 4 दिन बाद 17 जुलाई को चेक रिपब्लिक में ताबोर एथलेटिक्स मीट में चौथा गोल्ड हासिल किया। 200 मीटर की दूरी को 23.25 सेकंड में पूरा किया। 20 जुलाई को चेक गणराज्य में हुए नौवे मेस्टोनाट मेटुजी ग्रांड प्रिक्स में 400 मीटर की दूरी को 53.09 सेकंड में पूरा करके पांचवा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 400 मीटर की स्पर्धा में इस सीजन में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने 400 मीटर की दूरी 50.79 सेकंड में हासिल की थी, जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ समय है। इस प्रतिस्पर्धा में बीके विश्वमैया दूसरे स्थान पर हैं, जो कि खुद भी एक भारतीय हैं। उन्होंने यह दौड़ 52.48 सेकंड में पूरी की थी। आइए हम इनके पुराने कुछ ट्रैक पर नज़र डाल लेते हैं। एक साल पहले फिनलैंड के टेम्पियर शहर में IAAF विश्व अंडर 20th एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की 400 मीटर की रेस में 51.46 सेकंड में 400 मीटर की दूरी को पूरा करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया था। ये इनकी सबसे बड़ी सफलता है। इस सफलता ने उन्हें बड़ा नाम दिया। ये जो IAAF विश्व अंडर 20th एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है, ये भारत की तरफ से आज तक कोई भी एथलीट जीतने में कामयाब नहीं रहा, भले ही वो उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा हों या फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हों।
मिल्खा सिंह हो, किसी के नाम पर ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। इस उपलब्धि के साथ हिमा विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई और पहली भारतीय बन गई, महिला नहीं कह सकते, पहली भारतीय बनी। और हिमा ने से पहले किसी भी भारतीय ने ट्रैक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं जीता था। पीटी उषा और मिल्खा सिंह भी ये काम नहीं कर पाए थे, तो हम उनकी सफलता के लिए उन्हें बारंबार मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद। साथ ही साथ इसके लिए धन्यवाद देंगे हम पूरे के पूरे गौरव राजन सर के चैनल MG फिल्म्स को कि उन्होंने इसमें बहुत सहयोग दिया, धन्यवाद। आप चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसी कई सारी जानकारियाँ इकट्ठा करिए।